राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर रंगकर्मी प्रबीर गुहा, जो न सिर्फ बंगला रंगमंच बल्कि देश और दुनिया के रंगमंच का जाना पहचाना नाम है। प्रबीर गुहा बांग्ला थिएटर का एक जाना माना नाम। पूर्वी बंगाल में जन्मे प्रबीर गुहा का बचपन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गुजरा। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे प्रबीर दा का रुझान किशोरावस्था से ही सामाजिक प्रश्नों की तरफ था। गरीबों और पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए 1971 में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन आखिरकार अपनी बात कहने के लिए उन्होंने थिएटर का ही रास्ता चुना। 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रबीर गुहा को शुरू से ही अलग तरह का थिएटर करने की चाहत थी, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हुए। प्रबीर गुहा ने लीक से हटकर एक अलग तरह के रंग कर्म का सूत्रपात किया, जिसे फिजिकल और साइकोफिजिकल थिएटर के नाम से जाना जाता है। आधी सदी से ज्यादा थिएटर में गुजार चुकी प्रबीर गुहा की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो रंगकर्म को शायद अलविदा कह देते। लेकिन जब फादर गैस्टन रॉबर्ट्स ने उन्हें मशहूर पॉलिश थिएटर डायरेक्टर जेर्जी ग्रोटोवस्की की किताब टुवर्ड्स अ पुअर थिएटर दी, तो इस किताब का प्रबीर गुहा पर ऐसा असर पड़ा कि रंगकर्म के लिए समर्पण उनका संकल्प बन गया। थिएटर में अपना बिल्कुल अलग मकाम हासिल कर चुके प्रबीर गुहा देश ही नहीं विदेश तक अपने अनोखे रंग अनुभव के लिए विख्यात हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रंगमंच की जो विभिन्न शैलियां हैं उनमें आपने अपनी एक अलग शैली बनाई, जिसका नाम आपने शायद फिजिकल या साइकोफिजिकल थिएटर दिया। ये क्या वजह थी कि आपने जो मौजूद शैलियाँ थीं और जो परंपरा चली आ रही थी उसमें से आपने एक नई प्रविधि, एक नई टेक्निक डिवाइस की और उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्षों से? ये धीरे धीरे, खास करके एक दिन में मैं सोच समझ के बनाया नहीं, लेकिन धीरे धीरे बनता रह गया, ऐसे ही बन रहा है अभी। कि पहले से ही मेरा ये उद्देश्य जो था ये ऐसे एक थिएटर करना है जो थिएटर लोगों को पास जा सकते, लोगों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते। सो धीरे धीरे एक थिएटर बनना शुरू किया। उसके बाद मैंने तो बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, पीटर ब्रूक की, जोनियो बारबा, ग्रोटोव्स्की, शेकनार, बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा उस हिसाब से। जब मैं जो थिएटर करने मांगता वो नहीं आए। बादल सरकार के साथ भी काम किया, वो ये सब एक सिटी ओरिएंटेड थिएटर है, इंटेलेक्चुअल थिएटर है, मुझे दूसरा थिएटर चाहिए लोगों को पास जाने के लिए। देन आई स्टार्टेड लुकिंग बैक जे व्हाट काइंड ऑफ थिएटर वी हैव, व्हाट इज़ आवर रूट। तो मैंने देखा बंगाल का एक अद्भुत सा एक रूट है। कम से कम 1500 साल का पुराना हमारा थिएटर ट्रेडिशंस है,
एक हजार साल पहले श्री कृष्ण कीर्तन लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, तो जरूर उसको 500 साल पहले से ही नाटक का चर्चा होना शुरू किया उधर। तो वो थिएटर जब मेरा पास है, मैं क्यों दूसरा थिएटर के पास जाते हैं? क्या जरूरी है मुझे यूरोपियन थिएटर करना? कि यूरोपियन थिएटर में मेरा कोई विरोध नहीं है, हो सकती यूरोपियन थिएटर वो अलग से विधायक का थिएटर है, लेकिन मैं क्यों दूसरे को कमीज पहनने का कोशिश कर रहा हूँ? उनको जो अच्छा है ठीक है देखूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे अपना थिएटर डेवलप करना है। जो थिएटर मेरा जो रेफरल ऑडियंस है वो समझेगा क्या थिएटर है। इसलिए मैंने एकदम दिल लगा दिया जो हमारे बंगाल की संस्कृति ट्रेडिशंस क्या है, क्या क्या कल्चर है। मैं उस फोक फॉर्म्स को पास गया, वो सब देखा सीखा, फिर सिर्फ बंगाल नहीं बंगाल के बाहर में जितना सारे फोक्स जितना है उनको साथ भी काम किया, देश को बाहरों में जाकर उनको फोक्स किया है उनको साथ भी काम किया और देखा मैंने, और एकदम मैंने वो कन्फर्म्ड हो गया जो थिएटर के जोर जहाँ है वो है अपना संस्कृति का जोर में, वही जोर है वही सीखना है, उसको आज 2000 साल के मुताबिक वातावरण में उसको तोड़ मोड़ करके मॉडर्नाइज करके आज नया ढांचा से थिएटर बनाना पड़ेगा। दैट्स आवर मिशन नाउ। कबीरदास, आपने जो कहा कि आप लोगों का सहारा लेते हैं अपने थिएटर के लिए, इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि सब लोग लोगों का सहारा लेते हैं, वो कोई एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, वो एक ग्रुप एक्टिविटी, तो हर तरह का थिएटर एक ग्रुप को का सहारा लेकर करता है, आपके सहारे वाले में क्या फ़र्क है? शुरुआती दौर पे थोड़ा दूसरा था, आजकल थोड़ा सा दूसरा हो रहा है। कि शुरुआती दौर पे जो हो रहा था, जो मैं लिखना चाहता लिख लेता जी, ये लाइन्स है ये टेक्स्ट में बोलना पड़ेगा, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसको ना प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है ना वो याद कर रख पा रहा है, तो मैंने बोला ठीक है ये मेरा लाइन है तुम इसमें क्या बोलना चाहते बोलो, इसको अर्थ निकालना चाहिए, तो अपना ढंग से एक लाइन बोल देते, मैं मानता तो अच्छा है, नहीं मानता तो बोला फिर बोलो करके उसे प्रिसाइज जगह में लेके आते, तो वो जो लाइन फाइनल होता वही मैं लिख लेता हूँ। ऐसे मैं खुद नहीं लिखता, जो बनता रहता उसी को मैं रीराइट करता हूँ ये बता सकते, लेकिन धीरे धीरे मैं मेरा लिखना भी थोड़ा सा ढंग पे आ गया, मैं लिखना भी शुरू किया, वो बच्चे भी थोड़ा बड़ा हो गया वो भी थोड़ा सा बोलना शुरू किया ठीक करना शुरू किया, और आजकल तो थोड़ा सा लिखा पढ़ा लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग आर दे आर कमिंग एंड दे फील फ्री टू स्पीक एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, देन आई शिफ्टेड लिटिल बिट, देन आई वेंट फॉर द जिबरिश, देयर शुड बी नो लैंग्वेज जस्ट, क्योंकि मैं बंगाल में बंगाली बोलूँगा तो जब पंजाब में जाऊँगा तो क्या होगा, जब तमिल में जाऊँगा तो क्या होगा, तो कोई नहीं समझेगा, तो थिएटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। तब मैंने जिबरिश के ऊपर काम करना शुरू किया एंड फुल प्ले बनाया थर्ड वार, वो तो सारा इंडिया में घूमा, विदेश में भी घूमा, जापान में तो शोर मचा दिया थर्ड वार, तो थोड़ा सा ये हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया जो हम लोग और कुछ सोच सकते हैं कि क्या हो सकते, तो मैंने जो देखा कल्चर में, तो उसमें एक चीज़ जैसे देखा झारखंड में एक यात्रा देखा, कोई शादीशुदा औरत को मौत हो जाता तो उसको घर पे ही कब्र दिया जाता, दफन किया जाता, 10-12 दिन बाद जब डिकम्पोज्ड हो जाता फिर उसको मेन जो हड्डी है उसको लेकर एक नया मिट्टी का घड़ा में डालकर उनके जितना जेवर है वो डालकर एक लाल कपड़ा लगा के उसको हस्बैंड या जो क्लोज रिलेटिव है उसको लेना है सर पे, और गांव का 3-4 लोग जाएगा, वो बजाते बजाते जाएगा, पैदल जाएगा उनको मायके तक जाके उनको हैंडओवर करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो जब जाते गांव के लोग दूर दूर से आके पूछता है भाई किसका मौत हो गया क्या हो गया, बोलते वो तो फलाने का वाइफ का, अच्छा अरे बड़े वो तो अच्छा लोग थे, उनको वाइफ को बहुत मानती थी बहुत खातिर करती थी, तो लोग तुम्हें गुगूर खिलाएगा पानी पिलाएगा ये सब करते करते जाओ, आज जानते हो तो साले दारू पी कर आके रात को बहू को पीटते, साले पत्थर मार साले को पत्थर मार दे। तो मैंने देखकर चौंक गया, अरे कितना अच्छा सोशल एक बॉन्डेज था देखो अपराध बंद करने के लिए। तो मैंने सोचा हमारा जितना रिचुअल्स है सारे रिचुअल्स के अंदर ही एक जर्नी है एक थिएटर है। चलो शादी घर में चलो, जब शादी होता है सुबह सब औरत लोग घड़ा लेकर पानी लेने के लिए नदी या पोखरा में जा रहा है, तो साथ में बजा जा रहा है गीत गा रहा है, धीरे धीरे पोखरा तक किया, पोखरा में जाकर फिर थिएटर शुरू हो जाता, ये उसको पानी उछालता वो पानी देता घड़ा में पानी भरता, थिएटर हो गया, फिर यात्रा हो रहा है, फिर जब आया आंगन में फिर थिएटर, एक मेकशिफ्ट पैंडल बन गया, उधर केले का पेड़ है हल्दी है फिर थिएटर हो रहा है। तो हमारे रिचुअल्स में भी है इवन इन सब यात्रा द लास्ट जर्नी में वो भी एक थिएटर है जर्नी है थिएटर है जर्नी है। तो मैंने ये सोचकर मैंने सोचा जो एक नया थिएटर बनाओ जिसका नाम दिया मैंने जर्नी थिएटर।
तो सर जार्नी थिएटर दूसरा विधा शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा और कि हम क्या कर सकते, कैसे हो सकते, जो जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आए। मैं बोवाल को एक कुछ काम के बारे में सुना, देखा नहीं किसके बारे में, ऑगस्टो बोवाल, आई नेवर मेट हिम बट आई नो हिम वेरी वेल, ही ऑल्सो न्यू मी वेरी वेल। तो उनके पास मैं गया नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन पढ़ा कोई जगह में जो बोवाल जैसे काम करते फोरम थिएटर का, वो डायरेक्ट बात करते ऑडियंस के साथ। इधर कुछ बोवाल का डिसाइपल्स आए, मैंने उन लोगों का काम भी देखा, तो मुझे पसंद नहीं हुआ, क्योंकि वो जब काम करते हैं फील्ड में, फील्ड का लोग कोई आम जनता कोई आके कुछ नई क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्या करते, उनको जो सब लोग है अपना लोग है वो आके कुछ क्वेश्चन उठाता। तो मैंने सोचा ये तो गलत ढंग है, लेकिन एक जगह है, करने को जगह है, कैसे हम जनता को बात कराएंगे वो मुझे सीखना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल दोस थिंग्स, हाउ रियली आई कैन मेक देम वोकल। तो मैंने सोचा जो ऐसा एक इशू होना चाहिए, मेरा अपना इशू, वो बोल नहीं पाता है लेकिन उसको जल रहा है, उसको ऐसे इशू उठाना है, ये इशू लेकर एक जगह में जाके छोड़ दो, छोड़ के बोलो भाई। और जनरली एक लड़की के ऊपर लेते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, तो लड़की लास्ट में डिसीजन लेता है कि मैं खुदकुशी करूँगी। जब ये खुदकुशी करने को जाता है तो मैं तो स्टॉप, एक मिनट समझ दो मुझे, मैं एक बार जनता को पूछ लेते उनको पास कोई उपाय है कि नहीं। सो दे आर बाउंड टू स्पीक, जब बोलता क्या ये लड़की खुदकुशी करेगी, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू से व्हाट शी विल डू नाउ, आपको बोलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बोलना शुरू करता, और मैंने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते 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 एक चूड़ांत जगह में लेके जाता। तो देन आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑडियंस टू एक्ट एज द गर्ल और टू एक्ट एज ए फादर मदर व्हाट वाज द कैरेक्टर्स, और अपना जितना एक्ट्रेस है उसको धीरे धीरे मैं हटा देते। सो फिर ऑडियंस खुद वो एक्टिंग करना शुरू करता है। तो ऐसे दूसरा काइंड का थिएटर डेवलप किया व्हिच इज मोर ऑर लेस सिमिलर टू ऑगस्टो बॉल, बट दिस इज कम्प्लीट डिफरेंट थिएटर, हाउ वी कैन मेक देम वोकल द इंडियन ऑडियंस। एक एशियन कल्चर है ना, एशियन कल्चर में हम लोग पहले बोलते नहीं, अना ना वो जो बोला है वही ठीक है, छोड़ देते, और जब बोलते कोई बोलिएगा सब चुपचाप रहते, कोई बोलने वाला है नहीं, दिस एशियन कल्चर, बट इफ द स्टार्ट स्पीकिंग दे कंटिन्यू तो वही हो जाता है इसमें। तो उसको नाम दिया हमने आलाप थिएटर। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे लगा एक चीज़ कि आजकल सब कुछ कोडिफाइड हो गया। जैसे मैंने याद किया मेरे दादी माँ के कोल में जब मैं बैठते थे शाम को, दादी माँ भूत पितनी का सब कहानी सुनाते थे और हम दर्द से मर जाते थे उस समय, सब इमेजिन करते थे। लेकिन आजकल इमेजिनेशन है नहीं, हम इमेजिन कर नहीं पाता, और जो एब्स्ट्रैक्शन वो खो रहा है, तो उसको वापस लाने के लिए आई नीड ओ इन्वोक करो उसके इमेजिनेशन को, वो मुझे चाहिए। स्टोरी टेलिंग है ही है हमारे फॉर्म में, उसको दूसरा ढांचा में डालो, स्टोरी टेलिंग होगा लेकिन वो देख नहीं पाएगा, लेकिन उसको बाकी जो चार इंद्रियों है वो काम करेगा, वो सुनेगा, उसको स्मेल आएगा, ऑर्डर वो लेगा, उसको टच फीलिंग होगा, बाकी चार इंद्रियों काम है लेकिन एक सिर्फ देखने वाला नहीं है, उसको बंद कर दो। तो हम लोग बोलते हैं घंटी मारूंगा, 50 लोग के ज़्यादा नहीं लेते, 50 लोग घंटी मारूंगा, आप आँख बंद कर दीजिए, फिर घंटी मारूंगा, आँख खोल लीजिए, अभी बीच में ये एक घंटा हम लोग बहुत कुछ करते। तो उसने जब फर्स्ट हम लोग शो किया बेस्ट बेकरी के ऊपर किया, वो शो हमने एक गाँव में किया, और विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है उसको जो ड्रामा डिपार्टमेंट है उसको स्टूडेंट सर HOD को हम लोग बुलाए देखने के लिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, HOD दो बार सेंसलेस हो गए। और एक सांवादिक ने बोला, एक पत्रकार ने बोला जी बिना देखने वाला नाटक कित पावरफुल, इज मोर देन पावरफुल देखने वाला नाटक से। तो इसे हम लोग अभी इसका क्या नाम रखा फिर आपने? इसका था थिएटर ऑफ फीलिंग्स, थिएटर ऑफ फील। फिर ये छोड़ के इनविजिबल थिएटर बहुत करते हैं हम लोग समय के अनुसार, इनविजिबल थिएटर, जैसे कि NGO हमें बताया जे गर्ल ट्रैफिकिंग हो रहा है खिदिरपुर एरिया में, डॉक एरिया में, तो कुछ करने के लिए बोला, तो हमने गया उधर एक छोटी बच्ची को, हमारे उधर ही मोहल्ला के छोटी बच्ची को लिया, उसको एक ये दे दिया, लॉजेंस दे दिया एक डब्बा, ये तुम लॉजेंस भी को अठानी करके, अठाना करके लॉजेंस भी को सबके सामने सिखा दिया क्या करना। और हमारा एक दोस्त थोड़ा सा उम्र वाले, उनको बोल दिया भाई तुम्हारा काम है अच्छा ड्रेस बनो, सिगरेट पियो जितना मन चाहे, हम पैसे दे रहे हैं, और कभी कभी जाकर बच्ची को शायद ऐसी बात करो, तुम कैसे हो कहाँ से आ रहा है, ऐसे बात करो बस। और हम तीन एक्टर को लगा दिया, जहाँ जहाँ मोहल्ला में सब बैठ के चाय पी रहा है, इधर उधर सब यह है, वो जाके उधर खड़े होकर बोल रहे, थोड़ा उन लोगों को सुना कर बोल रहे, वो देख
वो साला बुढ़ा भी आज भी आ गया, ये लड़की को उठाने के लिए है। साला वो दिन भी एक लड़की के साथ बात करता था, भगा के लेके चला गया। ऐसे फिर इधर हो गया, फिर दूसरा जगह में, फिर तीसरा जगह में, सारे लोगों के पास खबर है, थे सब देख रहा है बूढ़ा को ये क्या कर रहा है। फिर एक बार वो जस इन्वोक कर रहा है, पकड़ो साले कई सारा बूढ़ा आ गया, पूरा जनता आके उसको मारने के लिए तैयार। फिर कुछ लोग रेडी था उसको बचाने के लिए, बचा कर लेके गया। फिर पुलिस आ गया, बहुत हंगामा हो गया। फिर पुलिस को कन्विंस करना पड़ा हम लोग को ये थिएटर हो रहा था। ऐसे इनविजिबल थिएटर भी हम लोग बहुत करते ऐसे, और हर समय हम लोग कोशिश करते हैं नया नयापन क्या हो सकता, नयापन क्या हो सकते। आज चारों ओर जाओ, अभी बांग्लादेश आ रहा है, मैं सबको पूछ रहा है कि नाटक कैसे करेंगे, हॉल नहीं है, इधर हॉल कुछ है, दल बहुत ज़्यादा है, ग्रुप ज़्यादा है, फिर उसमें भी करप्शन है, कौन किसको मिलेगा, आपको जान पहचान है तो हॉल मिलेगा, जान पहचान नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग थिएटर कहाँ करेंगे। दिमाग में तो घुस गया थिएटर दो किस्म का है, एक है हॉल वाला, एक है ये वाला पथ नाटक हम लोग बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक जो नुक्कड़ वाला है। नुक्कड़ तो समय अभी नहीं है, नुक्कड़ तो जब इलेक्शन आएगा तब करना होगा, अब तो नुक्कड़ नहीं है। और नुक्कड़ क्या है, जो हल में होता है वही नुक्कड़ पे करो तो नुक्कड़ नाटक हो गया, उसका कोई अलग कैरेक्टर नहीं बनता। हर जगह के लिए कैरेक्टर है, हर चीज़ का कैरेक्टर है, ये कभी नहीं समझता। हम लोग नुक्कड़ करते हैं, लेकिन जब नुक्कड़ करते हैं नुक्कड़ के हिसाब से करते हैं। आज से 50 साल पहले हम लोग जब नुक्कड़ करते उसको स्थिति दूसरा था, आज स्थिति दूसरा है। आज ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा हो गया, आवाज़ बहुत भयंकर हो गया। तब जैसे शांति से नाटक करते नुक्कड़ पर आजकल नहीं होगा, तो उस जो आवाज़ है, उस जो ट्रैफिक्स ज़्यादा है, उसको तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको, काम में करके निकालना पड़ेगा। वो सोच किसके पास नहीं है, यही बहुत कमी चल रहा है। आपने जिक्र किया जर्नी थिएटर और आलाप थिएटर और थिएटर फीलिंग और थिएटर इनविजिबल थिएटर। अभी तो आगे और भी बहुत कुछ होना है, और लेकिन आपने जहाँ से शुरू किया प्रवीर दा, आपने कहा ना कि अब तो बहुत सा बदलते बदलते अब बहुत कुछ नया ऐड हो गया है, लेकिन जैसे कि एक नाटक आपका अब्दुल हन्नान की मौत जो हमारे ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया के लोगों ने देखा है और उनकी स्मृतियों में, उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं प्रवीर गुहा के साथ, जो कि एक जाने माने रंगकर्मी हैं, न सिर्फ बंगाल बल्कि देश और विदेशों में भी उनके नाटकों की, उनके रंगकर्म की चर्चा होती है। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? ना कोई शह ना कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकहीं बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियाँ नाकामियाँ, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियाँ और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है। आप में एक वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियाँ। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत एक बार फिर से प्रोग्राम में गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ मशहूर रंगकर्मी प्रवीर गुहा। प्रवीर दा, ब्रेक से पहले जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इस पर बात करेंगे कि अब्दुल हन्नान की मौत जो आपका नाटक था वो आपके नाटक करते हुए काल का कौन सा नाटक था, मतलब शुरुआती दौर पे ही, लेकिन एकदम शुरुआत नहीं, बीच में आकर बोल सकते थोड़ा सा। और वो क्या, मैं 4-5 साल निकाल गया उसके बाद आया वो, और वो किस अवधारणा पर, किस सोच पर? ऐसा हुआ जो मेरा बचपन जो मैं बिताया मुर्शिदाबाद जिला में,
और वो बहुत सारे गरीब लोगों के साथ, ज़्यादातर 90% मुस्लिम लोग थे, तो वही मेरा साथी थे, वही मेरा दोस्त थे, वही मेरा जैसे रिलेटिव जैसे बन गया, उनके घर में ही मैं बड़ा हुआ, तो उनके लिए मेरा एक दूसरा एक कॉर्नर है, मेरा अभी तक एक जगह है उसको उन लोगों के लिए। तब एकदम शुरुआती दौर से मैं आप बोल सकते हैं मुझे जो मैम वेरी मच सेकुलर, 100% सेकुलर पर्सन, और मुस्लिम खास करके मुस्लिम लोगों के लिए मेरा एक जगह है बस। तो जब मैंने बड़ा हुआ तो उस समय का कुछ घटना मेरा याद में था, बहुत कुछ घटना, जैसे एक घटना मेरा बहुत आज तक भी याद में है, मेरा सबसे जो आज तक जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा अब्दुल गफूर, ही स्टिल अलाइव। तो गफूर जब हम बचपन थे, मेरा एक जन्मदिन का पार्टी था कुछ घर पे, तो मैंने सबको, मेरा बाबा सबको बुलाया, इनवाइट किया खाने बनाने के लिए, तो मैंने गफूर को बुलाया। तो पहले तो बाड़ी में बहुत डांटा मुझे, तो मुसलमान को क्यों इनवाइट किया, मुझे पूछना था, ये करना था, लेकिन मैं तो कर दिया, और मैं तो आड़े में चला गया, नहीं वो नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं मानूंगा। तो फिर ठीक है, सब आ गया, खाना बना हो रहा है, तो मैं ढूंढ रहा है गफूर कहाँ है, तो माँ को बोले, माँ गफूर कहाँ, माँ बोले तो खा रहा है, कहाँ, तो दिखाए, वही तो देखो ना आंगन में खा रहा है, बाकी लोग घर पे खा रहे हैं, उसका आंगन में अलग से केला के पत्ता देकर खा रहा है। उनको खाना हो गया, तो मेरा मामी बोला, वो भी कुछ ठीक ठाक इंसान थे, उनको दिमाग में बैठ गया, बोला जो उधर थोड़ा सा गोबर है गफूर, थोड़ा सा लेप दे उधर। गफूर हंसी मुख में बहुत आराम से तृप्ति से एकदम करके चला गया, लेकिन मेरा एकदम आंसू निकल गया, वहाँ मेरा आज तक याद है, आज तक याद है। तो उसी पर आधारित किया, अब्दुल गफूर के बदल में अब्दुल हन्नान कर दिया। तो बोला अब्दुल हन्नान जो आम मुसलमान लोग है, ये हर समय मरते हैं, डिफरेंट कायदा में मरते हैं। तो वही तो लिखा मैं अब्दुल हन्नान, डेथ्स ऑफ अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान 4 बार मौत हुआ। एक बार मौत हुआ कोई दंगा में, एक बार मौत हुआ बॉर्डर में जब भारत पाकिस्तान जब ये उसमें बॉर्डर में मर गया, एक बार वो गाजा स्ट्रिप में मर गए थे, और ये इस बार 4th time जानते हैं जो मौत आ रहा है, लेकिन ये पूछना चाहता मौत के, व्हाई आई एम गेटिंग किल टाइम एंड अगेन, व्हाई, व्हाट फॉर। तो फिर वो हादसा अभी तक बरकरार है, अभी तक बरकरार है, इसलिए हम लोग दूसरा नाटक किया, वो बहुत 5-6 साल पहले किया, विक्टिमाइज्ड, द सेम इंसिडेंट्स, ये क्यों मुसलमान नाम होने से विक्टिमाइज्ड हो जाता है, क्या कारण है। तो ये हम लोग तो लाहौर में किया, फिर दिल्ली NSD में किया, तो NSD में करने के बाद तो मेरा पर आरोप हो गया कि मैं पाकिस्तान के दलाल हूँ, मैं मुस्लिम के सपोर्ट में बात करता हूँ, लेकिन कुछ दोस्त मुझे सपोर्ट भी किया, वो भी फाइट किया, फाइट आउट किया। तो ये तो हुई इस नाटक की कहानी या उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये हुई। ये बताइए कि इस नाटक को आपने किया किस शैली में, जैसा कि सब लोग अभी तो आपने बताया कि इतने सारे और भी नई नई प्रविधियाँ आपने विकसित की जिसका हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, लेकिन ये जो फिज़िकल या साइकोफिजिकल जो टर्म है इसको ज़रा समझाइए, जिसको शायद आपने अब्दुल हन्नान की मौत में या अपने शुरुआती जिन नाटकों में इस्तेमाल किया होगा, ये क्या है फिजिकल या साइकोफिजिकल। मैं कोई कहानी को ज़्यादा बढ़ाते नहीं, मैं आई डोंट फील फ्री इन सम टाइट टेक्स्ट, कहानी में जाते नहीं बहुत, क्योंकि कहानी बहुत डायरेक्ट करते हैं अपने को, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कहानी में लिखा हुआ आता है। तो मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई गेट चैलेंजेस, तब मुझे अच्छा लगता है, ये इसमें चैलेंज है, एक चैलेंज लेने के लिए तैयार है। तो हम लोग नाटक जब बनाते हैं इसमें स्टोरी लाइन नहीं होता है, कोई खास स्टोरी लाइन नहीं, वो आते हैं स्टोरी बिगड़ जाते हैं फिर नया आते हैं, टेक्स्ट में बहुत पोइट्री आ जाता है, ऐसा कुछ लिरिकल कुछ आ जाता है, ऐसा होता है। तो लेकिन वो हम दिखाएंगे कैसे, वो दिखाने में एक चैलेंज है। तो मैंने आई एम बेस्ड ऑन माई एक्टर्स, हाउ यू वॉन्ट टू शो इट, शो मी, यू जस्ट इम्प्रोवाइज मी, दिस इज द आइडिया, आई वॉन्ट टू शो दिस, हाउ आई डोंट नो, आई एम नॉट द एक्टर, यू आर द एक्टर। तो सब इम्प्रूव, उसके पास ट्रेनिंग है, अभी बॉडी फिजिकल ट्रेनिंग है, एज दे हैव द फिजिकल ट्रेनिंग, सो वॉट एवर दे डू इट गोज ऑन द फिजिकल वे। तो जो दिखाते हैं उसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, तो ज़्यादा टेक्स्ट कम हो जाता है, ज़्यादा ही फिजिकल हो जाता है, और बहुत फोकस उसको टाइट होता है, एक एक ऑडियंस का पकड़ के बात करते, इसीलिए उसको जो साइकिक लेवल पर थोड़ा सा प्रेशर बन जाता ऑडियंस को, शायद इसलिए कुछ पत्रकार ने इसको नाम दिया साइकोफिजिकल, मैंने तो नाम नहीं दिया, मैंने बोलते थिएटर ही कर रहा हूँ, आज भी जो थिएटर ही कर रहा हूँ।
लेकिन आजकल बहुत कोशिश है जिसमें हम लोग एस्थेटिक्स कैसे लाएंगे, पहले ये चिंता नहीं था, लेकिन देखिए इसका मान्यता नहीं मिल रहा है पूरा जगह में क्योंकि इसके एस्थेटिक्स हम लोग नहीं बना पाया। तो आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मेकिंग ऑफ द एस्थेटिक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ थिएटर। वो जब धीरे धीरे के एस्थेटिक्स बनना शुरू किया, जैसे रतन सिंह भी फिजिकल थिएटर करते, कन्हैयालाल भी करते, पनिक्कर दा भी करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन सबको अलग 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 एक जगह है, विधाएँ है, अपना एस्थेटिक्स है। वो एस्थेटिक्स जब बनना शुरू किया तभी सारा भारत से एक मर्यादा मिला, मेरा SNA अवार्ड भी मिल गया उसी से। तो ये करते करते आज थिएटर थोड़ा सा टेक्स्ट भी है, फिजिक भी है, एक नया रास्ता में जा रहा है, फिर एक नया रास्ता में जा रहा है। ये शायद मैंने बोल रहा है जो वही रास्ता है जो बहुत कम तामझाम में बहुत कम दर्शकों के पास जाकर एक दूसरा तरीका को थिएटर, जो थिएटर रविंद्रनाथ ने एक बार सपना देखा, उन्होंने लिखा कि मैंने एक कल्पना करती हूँ एक थिएटर स्पेस का जहाँ बहुत कम लोग बैठ पाएगा और वो थोड़ा सा बुद्धिमान लोग होगा, हो सकता आम लोग लेकिन उनकी सेंसिटिविटी होगा, ऐसा लोग आएगा देखने के लिए। और एक नाटक बहुत बार शोज भी नहीं होगा, कम शोज होगा, फिर नया नाटक होगा। ऐसा अगर कोई नाटक का वातावरण मिले तो मेरा खुद फिर नाटक लिखने का मन कर रहा है। तो रविन्द्रनाथ मेरा फेवरेट है, तो मैं उसी लाइन पर चलता हूँ जो रविन्द्रनाथ के वही जगह में चलो, वही थिएटर का मुक्ति है। ये हॉल वाला थिएटर, यूरोपियन थिएटर, इसमें मुक्ति नहीं है मेरा। मेरा थिएटर का मुक्ति जमीन पे है, मिट्टी पे है। थिएटर चाहे मिट्टी पे करो, चाहे रूफटॉप में करो, चाहे इस कमरा में करो, हर जगह में थिएटर हो सकता है जहाँ एक ऑडियंस है और एक एक्टर है, थिएटर हो सकता है। जैसे ही आप अपना कोई रास्ता नया चुनते हैं, एक तो हुआ कि जो कुछ परंपरा से चला आ रहा है आप भी उसका अंग बन जाएं और उसमें बहते रहें, लेकिन जैसे ही आप अपना कोई नया रास्ता चुनते हैं, जैसा कि आप चुनते हैं हर बार, तो उसको लेके रेजिस्टेंस का क्या रूप होता है, मतलब लोगों की तरफ से, क्योंकि बहुत जल्दी नई चीज़ स्वीकार नहीं की जाती है, इस क्षेत्र में आपका क्या अनुभव है? पहले जो हम लोग किया ना, वही बादुलदा के साथ सीखने के बाद जो करने का शुरू किया वो रेजिस्टेंस था लोगों का, लोग उठ जाते, भाग जाते, देखना नहीं चाहता। लेकिन जब मैंने बंगाल लाइन में सोचना शुरू किया, अभी अभी एक प्रोडक्शन किया मैंने, मेरा अपना ग्रुप के साथ नहीं, दूसरा ग्रुप के साथ, तीता शेट्टी नदीर नाम, एक बहुत मशहूर नॉवेल है, एक बंगाली नॉवेल है, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया थिएटर में, उसको नाम दिया तीताश। अभी कलकत्ता में 5 थिएटर को लोग नाम बोलेगा तो उसमें एक नाम तीताश है, लेकिन तीताश को जो पैटर्न है मैं तो तोड़ फाड़ कर दिया पूरा, जैसे बहुत सहज सरल शैली में किया, लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज भी तीताश को शो लगेगा तो हाउसफुल हो जाएगा। तो फिर ऐसे नहीं है, जो हमारा जमीन का जो चीज़ है ना, वो आप नया रंग रूप से दिखाना पड़ेगा। आज से 500 साल पहले जो चीज़ शुरू हुआ, आज वैसे ही चीज़ आप दिखाओगे तो कैसे लोग देखेगा? सो व्हाट आई साइट ऑफ एन एग्जांपल इज लाइक द वी सी लोटस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बट इट हैज़ ए स्टेम व्हिच गोज थ्रू द वाटर टू द मड। सो इफ आई कंसिडर द मड इज द ट्रेडिशन एंड स्टेम इज द प्रोसेस और द माई थिएटर एक्टिविटीज मेटाबोलिज्म and flower is the product. So it's not producing the mud itself. The mud is getting transformed into lotus. So over a tradition se lo aur aaj ka natak banao. Ek dusra form ban jayega, dusra cheez banega. Kabir da, humko bataiye ki aapka bachpan kaisa, aapne bataya ki Murshidabad mein aap paida hue the, lekin kis tarah ke ghar mein paida hue the, kin circumstances mein aap natak ki taraf aaye? Actually born in Bangladesh and brought up here. So he came, when I was 4 years old, then I came here. Mera pitaji udhar to, he was a teacher in school, and here he was not getting any job, so he was a little bit healthy. तो एक दिन देखा मैदान में कुछ लोग खड़े हो गए, तो पूछा क्या हो रहा है, तो बोला पुलिस का नौकरी के लिए लाइन है। तो मेरा पापा खड़ा हो गए, उसको जॉब मिल गया, तो मेरा लाइफ इधर पापा का शुरू हुआ, करियर शुरू हुआ एज ए पुलिस कॉन्स्टेबल। सो एक पुलिस कॉन्स्टेबल के सन होते नाते जो जैसे बड़ा होना है, कभी झुग्गी झोपड़ी में, कभी झोपड़ी में, कभी कॉलोनी में, ऐसे ही बड़ा होना शुरू किया। बहुत बहुत गरीबीपन से धीरे धीरे बड़ा होना शुरू किया। मेरा पिता भी अपना दम पर लड़ते लड़ते एक जगह थोड़ा सा प्रमोशन मिला, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया, तब इनका ट्रांसफ़र हो गया मुर्शिदाबाद। तो मैंने मुर्शिदाबाद चला गया, कोई एक स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सका, हर बार स्कूल चेंज करना पड़ता, और ऐसे चलते चलते मेरा अपना कोई घर नहीं था, जहाँ जाते ही घर बन जाते, ऐसा एक हो गया।
तो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में थे पापा जी, इसीलिए बहुत लोग आते पकड़ के लेके आते। ऐसे एक बार एक थाने में एक लोग को पकड़ के लेके आया, लेकिन दिखने में तो चोर डकैत नहीं लग रहा है, धोती कुर्ता पहन के बहुत बहुत सीरियस एक एल्डरली पर्सन। और उसको जेल में भी नहीं रखा, उसको छोटा कमरा में रख दिया, दरवाजे भी बंद नहीं है, बाहर में एक पुलिस कांस्टेबल है। मेरा मामी खाना बना के बोला जब खाना उनको दे के आओ, तो खाना दे के गया। तो मैंने सोचने ही नहीं आ रहा है वो चोर और डाकू होगा तो उसको खाना तो दुकान से आएगा और तो जेल में रहेगा, वो घर पे क्यों। जब मैं तो धीरे धीरे दोस्ती हो गया मेरे साथ, तो उसने मुझे कहानी सुनाया, चट्टोग्राम अस्त्र का लुंठन, खुदीराम बसु का फांसी, शहीद भगत सिंह और जितना स्वाधीनता के लिए जितना आंदोलन हुआ सारे कहानी मुझे सुनाया। तीन दिन बाद तो चले गए, लेकिन मेरा दिल में आग जलना शुरू किया। कुछ समझते नहीं, कुछ नहीं समझते, लेकिन किसा किसा एक उलझन हो रहा था। कितनी उम्र रही होगी आप? बहुत ज़्यादा, तब मैं क्लास 9 में हूँ, कम समझदार नहीं हूँ, ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ। ये चलना शुरू किया, तो फिर यही हर जगह में स्कूल बदलता है। जब फाइनल स्टेज में जब चलाया एग्ज़ाम के, तब मेरे पापा बोले तुम एक हॉस्टल में जाओ, 2 साल हॉस्टल में रहकर पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया। तो मेरा रूम पार्टनर जो थे, एक नया बच्चा बीए एग्ज़ाम दे के टीचर बन के चला आया, तब तो एसएससी में एसएससी नहीं लगते थे, फिर एग्ज़ाम दो चले जाओ टीचर बन जाओ। वो भी एक था आरएसपी का लोग, और जो पहले वाले लोग था वो था त्रिदीप चौधरी, बड़े मशहूर लीडर थे, हमारे एमपी थे, बहुत दिनों के एमपी थे। और जयंत विश्वास नाम के ये जो बच्चा, ये मेरा रूम पार्टनर हो गया, ये भी उसी पार्टी का था। तो ये भी मुझे वही सब बोलना शुरू किया, करते करते जब मैंने लेफ्ट माई स्कूल एंड ज्वाइन इन कॉलेज, आई एम जस्ट फुल ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे और कुछ नहीं करना, पॉलिटिक्स करना। वो पॉलिटिक्स बिना वो लोग को मुक्ति नहीं होगा, मुसलमान को मुक्ति चाहिए, गरीब लोग को मुक्ति चाहिए, तो मुझे पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड माई करियर विद द अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी, देन इट गॉट स्प्लिट, I joined with the CPM, another split, I went for the Naxalite, then I left my home, बड़ाई छोड़ दिया, भग गया, ये सब हो रहा। जब मैं पार्टी में थे उस समय पार्टी मुझे एक बार ऑर्डर दिया कि तुम्हें एक नुक्कड़ नाटक करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाओ। एक फूड मूवमेंट हुआ था उस समय, फूड मूवमेंट के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक बनाकर तुम खेलो चारों ओर। तो पार्टी के ऑर्डर के लिए मुझे करना पड़ा, शायद 3-4 महीना किया मैंने। तो वो एक तरह से वो थिएटर का पहला एनकाउंटर है, बस वही था। ये चलते चलते हुए ना, आई गॉट डिसिल्यूशन्ड विद माई पोलिटिकल लीडर्स, नॉट विद द पार्टी, देन आई केम आउट एंड स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड आई डू नाउ, अब तो कुछ करने का ये नहीं। कब किस सन की बात होगी? ये होगा अब 70-71 इस समय एकदम, क्या करें फिर, मुझे और कुछ करने को नहीं है। मैं उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन था, बहुत फ्रस्ट्रेशन। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई नॉट थिएटर, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन रीजन इज आई कैन स्पीक फ्रीली, वट एवर आई वॉन्ट टू से आई कैन से इट थ्रू माई थिएटर, दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड, दिस इज द 100% सेकुलर प्लेटफॉर्म, सो फॉर दिस टू रीजन आई जॉइंड इन थिएटर। एंड इमीडिएटली आई रियलाइज दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इज वेरी हार्ड, ऐसा नहीं कर दो हो जाएगा। वट टू डू, मैं देख रहा था थिएटर उस समय, उत्पल दत्ता, शंभु मित्रा, अजितेश बंदोपाध्याय, विभास चक्रवर्ती, अरुण मुखर्जी, सभी देख रहा था। तो मुझे लगा विभास चक्रवर्ती इज मच मोर इंटेलिजेंट थिएटर, ही डज, सो आई प्रपोज्ड हिम एंड ही एक्सेप्टेड मी, आई जॉइंड इन हिज थिएटर। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगा जो ये थिएटर, जो थिएटर मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये वो थिएटर नहीं है, ये थिएटर इन सिटी थिएटर है। आप कोई थिएटर की कल्पना कर रहे थे? हाँ, क्या जो थिएटर गरीब लोगों को लेकर कुछ होगा, अच्छा। उनको पास जाएगा, उनको दिखाएंगे आप लोग, लेकिन ये गरीब लोग नहीं आते, आ नहीं पाते, जो सिस्टम है इधर आ नहीं पाएगा गरीब लोग, और ये भी गरीब को पास जा नहीं पाएगा, ये थिएटर एक पाबंदी है उसमें। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग मे बी आई विल क्विट थिएटर, नो मैं दूसरा कुछ करूँगा। फिर इस समय फादर गास्टर रॉबर्ट्स, यू इंटरव्यूड गास्टर रॉबर्ट्स, गेव मी ए बुक टुवर्ड्स ए पुअर थिएटर बाई जेड जी ग्रोटोव्स्की, एंड इट चेंज माई होल कंसेप्शन ऑफ थिएटर। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज थिएटर, लेकिन पूरा समझ नहीं रहा, थोड़ा समझ रहा ऐसा कुछ। देन आई मेट बादल सरकर, दिस हिज फर्स्ट प्रीमियर शो ही वॉज डूइंग इन कोलकाता, एंड आई वॉज विटनेस, वन ऑफ द विटनेस इन दैट थिएटर। आई गॉट स्टंट, अरे यही तो टुवर्ड्स ए पुअर थिएटर, यही हो सकता है। देन आई जॉइंड विद बादल दा, I worked with him for more joined as what? As a worker, as theater activist. And I worked with him for more 3 months. क्या क्या करते थे उनके साथ?
जितना भी एक्सरसाइज कराते, वर्कशॉप कराते, नाटक जो होते थे, नाटक शो में जाते थे, ऑल दिस थिंग्स आई वाज डूइंग. एंड आफ्टर थ्री मंथ्स आई रियलाइज्ड अगेन, इफ आई स्टे मोर हियर आई विल डाई जस्ट. अच्छा, मैंने बदल दे, इतना बड़ा ऑरा है, मैं तो पतंग की तरह जाऊँगा तो खत्म, मेरा जो अपनापन खत्म हो जाएगा. एंड व्हाट बादल डज, दैट्स अ कंप्लीट सिटी थिएटर अगेन, नागौर थिएटर, सिटी थिएटर हो रहा है, सिटी पीपल के लिए. ही टेक्स्ट इज सो रिच, ही कैन राइट सो इंटेलिजेंटली, वेरी रिच टेक्स्ट, सो आई कैनॉट गो फॉर इट. ये मेरा काम नहीं, क्योंकि मेरा वो ऑडियंस ये नहीं समझेगा, उनके लिए दूसरा कुछ चाहिए मुझे. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, जे अगर मेरा अपना कुछ बोलने का है तो मुझे अपना ग्रुप चाहिए, नहीं ये नहीं संभव है. देन माई फादर वॉज ट्रांसफर्ड इन खोर्धा, 20 किलोमीटर्स ऑफ फ्रॉम कोलकाता, तो मैंने उधर ही ठीक किया, इधर ही मैं थिएटर करूँगा, कुछ बच्चों को जुगाड़ करके जो ऐसा है, थिएटर नहीं करते, थिएटर समझते नहीं, रॉक में बैठकर गाजा बाजा पीते, बीड़ी सिगरेट पीते, लड़की जाने में सिटी पिटी बजाते, वही सब बच्चे को छूना, दोस्ती बनाया उनके साथ, उनको थिएटर में लेके आया, फिर उनसे हम लोग थिएटर शुरू किया. एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जहाँ 30 लोग बैठ सकते, उसी जगह में हम लोग थिएटर शुरू किया, काम का शुरू किया. एक नाटक जब पहले बना, समुंदर अस्थिर ये नाम के एक नाटक पहला बना, तो कोई ग्रुप का कोई नाम रखा, लिविंग थिएटर, लिविंग थिएटर नाम का ग्रुप बनाया और उसमें ये नाटक बनाया, ये नाटक पहला बनाया. बनाने के बाद हम लोग ये नाटक लेकर कलकत्ता में आया, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 consecutive days वी कंटिन्यूड अवर शोज, बहुत लोग आया. एंड संडे वी अनाउंस्ड वी आर नॉट कमिंग फॉर नेक्स्ट 5 years इन कोलकाता. अच्छा, आपका नाटक देखना है तो खरीदा आना पड़ेगा, इसीलिए नहीं जाऊँगा, कलकत्ता इतना बड़ा सिटी है, वी कैनॉट सर्वाइव हियर. हम लोग नहीं सीखा बचाने के, 5 साल बाद हम लोग सीख जाएंगे कैसे कलकत्ता से लड़ना है, तब फिर आएंगे हम लोग. तो उधर जाके हम लोग शुरू कर दिए स्कूल में, जे हर सैटरडे एट 7 PM यू कैन कम एंड सी अवर शो. तो डेली हम लोग 6 बजे से हम लोग गेट पर खड़ा होकर गाना वाना शुरू कर देते, लोग देखते थे लेकिन कोई आते नहीं, घुसते नहीं. यही चलते चलते एक दिन कुछ वीक्स निकल गया, हम लोग घर से हम लोग को माँ बाबा को भाई बहन को सब लेके आते, देखो देखो देखो, वो भी हज हो गया, भाई कितना दिन देगा तुम्हारा ये करना सब. एक दिन 2 लोग खड़ा हो गया, भाई तुम इधर गाना क्यों गाते? मैंने गाना, इसलिए गाना नहीं गाते, लोग को बुला रहे क्यों, मैं थिएटर होगा कहाँ, स्कूल रूम में, स्कूल रूम में थिएटर क्या बताते तुम? हाँ यही होगा, लाइट फाइट और सब है अंदर में, कर लिया हम लोग. और कैसे बनाया, बड़ा बड़ा लाइट तो मैंने बड़ा नहीं, हम लोग पाउडर का डब्बा छेद करके करके उसमें बल्ब डाल के इसे लाइट पाइट बनाया सब. कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे. तो तुम्हारा मेकअप वेकअप कहाँ है? हमें मेकअप नहीं चाहिए, ऐसे ही होगा, ऐसे ही नाटक होगा. कितना समय? 1 घंटा. 1 घंटा, चलो तो देखे क्या टिकट है, कितना पैसा. वी डोंट सेल थिएटर सर, तो अंग्रेजी भी बोला, थोड़ा चमक गया. आई डोंट फील दैट थिएटर इज अ कमोडिटी, बैगन मूली आलू तो नहीं है. आप देखिए, आपको देखने के बाद अच्छा लगेगा तब पैसा दीजिए हमें, कोई इतराज नहीं. तो दे गॉट इंटरेस्टेड, दे अंदर चलाया, देख लिया, ए देख के बस, और हमको देखना नहीं है. वही दोनों लोग जिम्मेदारी ले लिया सब लोगों को खबर देने के लिए. अच्छा. और मोस्ट ऑफ द अर्बन रूरल अर्बन पीपल, दे आर द ऑफिस गोअर्स इन कोलकाता. इन मॉर्निंग दे गो फॉर सर्विस इन कोलकाता, इन इवनिंग दे कम बैक. दिन में कुछ काम नहीं है, ऑफिस जाके एक ही कहानी, अरे जाओ लिविंग थिएटर देखो, अरे क्या होता, थोड़ा बना बना के बोलता, बनी बना गाओ ज़्यादा कर देते. सो इट बिकम ए क्रेज, अरे यू हैव नॉट सीन लिविंग थिएटर, अरे क्या जाओ जाओ देख के आओ, देख के आओ, देख के आओ. धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू किया. फिर हम लोग 30 सीट्स था ओनली, मतलब अखबार बिछा देते, आप उसके ऊपर बैठो, पंखा दे देते, देसी पंखा मारो, बैठ के नाटक देखो बस. यही चलते चलते चलना शुरू किया धीरे धीरे. कलकत्ता से लोग आना शुरू किया, बड़ा बड़ा डायरेक्टर आना शुरू किया, बादल सरकर आ गया, विवाह चक्रवर्ती आ गया, सब लोग खरीदा है, सब खरीदा है, सब खरीदा है. फिर शेखनर आ गए, कभी ग्रेटोवस्की आ गए. अच्छा. एक दिन पीटर्सबर्ग ने मुझे चिट्ठी लिखा, जे प्रवीर हम लोग कलकत्ता आ रहे हैं, मेरा पूरा टीम लेकर, पार्क होटल में रहूँगा, फलाने दिन फलाने समय तुम आके तुम्हारा एक नाटक दिखाओ.
और कितना पैसा लगेगा बताओ। तो मैंने बोल दिया साहब हम लोग तो कलकत्ता नहीं जाते, आपको देखना है तो मैं बहुत धन्य हो गया, आप देखेंगे बताया मेरा थिएटर, आपका खरदा ही आना होगा और कोई चारा नहीं है, आप खरदा आइए और एक शनिवार आना होगा सैटरडे में, और वो भी पहले से नाम लिखाना पड़ेगा क्योंकि बुक हो जाता है, सिर्फ 30 सीट्स है। तूने 3 महीना बाद में एक डेट दिया मुझे कि 30 सीट्स बुक करके रखो, हम पूरा टीम लेकर आ रहा है, और पूरा टीम लेकर एक सैटरडे में वही दिन एयरपोर्ट उतारा, बस बुक किया, सीधा जाके मेरा नाटक देखा बैठ के, उनका ऑनर में 2 नाटक कर दिया। लेकिन दुख का बात यही है, वो जगह इतना बड़ा जगह था, इतना महान जगह बन गया, इतना लोग आया, ये लोग समझा नहीं, उसको तोड़ फोड़ करके किया, दूसरा कुछ बना दिया, वो मैंने डिमांड किया हेरिटेज के हिसाब से रखिए, नहीं रखा। और दूसरा बात है, जो भी सरकार में होता है ना, सत्ता पे होता है, वो कभी विरोधी कंठ उसको ये नहीं होता, टॉलरेट नहीं कर पाता। तो चाहे कांग्रेस भी वैसा किया, तो जब हमारा लेफ्ट फ्रंट सरकार आया वो भी वही किया, हम लोग को सहन नहीं पाता क्योंकि हम लोग सच बोलते, बहुत सच बात करते। तो मेरा ग्रुप को भगाने की कोशिश किया, तोड़ फोड़ करने की कोशिश किया, फाइनली दे सक्सीड, मेरा ग्रुप टूट गया। फिर टूटा हुआ ग्रुप लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कोई स्पेस नहीं है, स्कूल से भगा दिया, कोई जगह नहीं, क्या करे, ढूंढ रहा था क्या करे, मैं मर जाऊँगा थिएटर नहीं करूँगा, तो आधा से ज़्यादा बच्चे सब चला गया। तो फिर मैंने घूमते घूमते, तब मेरा शादीशुदा हो गया, मेरा ससुर को मैंने बोला, वो ज़मीन के बारे में समझता थोड़ा, तो मैं जज को बोला जी मुझे थोड़ा सा ज़मीन देख दीजिए, मुझे अपना थिएटर इस्टेब्लिश करना। वो ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तो इधर उधर कुछ जगह देखा, इतना पैसा भी नहीं मेरे पास, तब तो 2 किलोमीटर दूर जहाँ लेके जा रहा था उस जगह में एक छोटा सा जगह मिला। तो तब मेरा जॉब था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, मैं जॉब छोड़ दिया। क्या काम था? फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, सेल्स ऑफिसर था। कब छोड़ा आपने? 90 में। अच्छा, मतलब और शुरू कब से किया था उस नौकरी? 72 में। अच्छा, नौकरी छोड़ दिया, छोड़ के जितना पैसा मिला, बहुत कम पैसा मिला, जितना पैसा मिला उसे ज़मीन खरीद लिया, छोटा एक स्ट्रक्चर बनाया, और हबीब तनवीर को मैंने बुलाया जो हबीब दा आपको आना पड़ेगा इस उद्घाटन के लिए, नहीं तो ये पवित्र नहीं होगा। हबीब दा मान लिया, हबीब दास, सौमिक बंदोपाध्याय, प्रतुल मुखर्जी, मेनी कौंसल जनरल ऑफ डिफरेंट एम्बेसीज, बांग्लादेश से नासिरुद्दीन यूसुफ बच्चू, आताउर रहमान, नवीन किशोर, मतलब बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उद्घाटन हो गया अखाड़ा, उसका नाम दिया अखाड़ा। बस तब क्या करें, अब तो अपना ज़मीन हो गया, अपना जगह, कौन भगाए। सिर्फ लिविंग थिएटर के शुरू में एक अल्टरनेटिव लग गया, और वो भी जानबूझकर डिलीबरेटली हमने लिखाया जो अल्टरनेटिव लिविंग थिएटर। लोग पूछ सकते हैं भाई किसका अल्टरनेटिव, भाई सब कुछ का अल्टरनेटिव, आप जैसे चलते हैं, जो कुछ होता है सब कुछ का अल्टरनेटिव हो। अब जैसे हम सोचते हैं, जैसे खाते हैं, पहनते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ मारो अल्टरनेटिव है, ये दिखाई पड़ेगा एक। बस तब से चल रहा है अल्टरनेटिव वे में, हमारा काम चल रहा है, आज तक बरकरार है बस। जब आप कहते हैं कि सब कुछ अल्टरनेटिव होगा, इसका मतलब इतना आपके अंदर ये पार और ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अल्टरनेटिव सचमुच दे सकें। खुद आपने कहा कि एक पीरियड ऐसा आया कि जब आप अपने ही नेताओं से डिजिल्यूजन होकर, आस्थाएं वही रहीं लेकिन पार्टी से आप बाहर निकल गए, लेकिन जब आप नाटक करेंगे तो उस नाटक की आस्था क्या होगी, उसका अल्टरनेटिव जो होगा वो क्या? वो देखिए एक मुश्किल का बात है, जब पूरा एक ढांचा बन जाएगा तो फिर एस्टेब्लिश हो गया, एक अपना इंस्टीट्यूशन बन गया, फिर उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, अल्टरनेटिव ढूंढना एक अनएंडिंग प्रोसेस। मैं सोचता हूँ अभी मैंने बना लिया एक अल्टरनेटिव, यही फाइनल, कभी ये फाइनल नहीं है, फिर इसको भी चैलेंज करना पड़ेगा, इसको भी डिकंडीशन करना पड़ेगा, फिर रिकंडीशन करना पड़ेगा। सो इसे कॉन्स्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस चलते रहेगा। आज मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा आ गया, अभी वो भी डायरेक्शन दे रहा है, वो हमसे छोड़कर वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा लाइन पकड़ने का कोशिश कर रहा है, शायद वो कुछ दूसरा करेगा, फिर तीसरा कोई आ जाएगा, वो कोशिश करेगा, ये जारी रहेगा कोशिश। ऑलवेज यू हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब आप हमको इसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि जो स्थापित ड्रामा स्कूल्स वगैरह हैं, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो जहाँ पर देश के सभी लोग जाकर नाटक सीखते हैं, या इसके अलावा जो छोटे इलाकों में बड़े नाटककार काम कर रहे हैं, उनका जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है और आपका, इसमें इसको कैसे समझें?
जनरली जितने सारे ग्रुप है इधर रिहर्सल होता है, डेली रिहर्सल होता है, कभी 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 वीकली टू थ्री रिहर्सल होता है, लेकिन वो आते हैं कोई नाटक के ऊपर काम करता है, उसको कैसे कैरेक्टर तैयार किया जाए, ब्लॉकिंग क्या होगा। हमारे इधर ऐसा नहीं होता है, पहले हम लोग जो कोई आते हैं रहो इधर काम सीखो, पहले काम सीखो, क्या काम सीखो, एक्सरसाइज सीखो, वेरियस मार्शल आर्ट्स है वो सीखो, डांस सीखो, गाना गाने सीखो, म्यूजिक बजाने सीखो, ये करते रहो, मास्क बनाने सीखो, ये सब करते रहो, और हम लोग क्लास लेते हैं क्यों इस दुनिया क्यों, वाई टू डू थिएटर, वाई थिएटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आस, कैसा थिएटर होना चाहिए, कैसा थिएटर हो रहा है चारों ओर, क्यों वो थिएटर हम नहीं करेंगे, ये थिएटर करना है, क्यों हम लोग फिजिकल में जाऊँगा, ये सारे चीज़ को हम लोग उनको समझाते कम से कम एक साल लग जाता समझाने में, तो धीरे धीरे जो रहना है रह जाते, जो नहीं रहना है भाग जाते, जो रह जाते उसको लेकर हम लोग काम शुरू करते। और क्या करते, हर साल हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप लगाते इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, इस बार भी हो रहा है 1 से 7 जून ये होगा उड़ीसा के सरायकेला में होगा, तो उधर सारे इंडिया से लोग आ रहा है, बांग्लादेश से भी लोग आ रहा है, तो फिर हम लोग इस वर्कशॉप के दौरान हम लोग उनको समझाएंगे यही सब बात, फिर कोई इंटरेस्टेड हो जाएगा तो फिर वो अपना इलाके में शुरू करेगा व हमारा साथ इधर चला आएगा। तो यही करते करते ये सब बेस जब तैयार हो जाता तब धीरे धीरे हम लोग नाटक में घुसाते उसको, ये धीरे धीरे आओ थोड़ा सीखो थोड़ा काम करो, करते करते ही बिकम्स एन एक्टर फाइनली। लेकिन वो काम चलते ही रहता, जो पुराना हो गया फिर उनको बोलता तुम एक जगह में सेट हो गया तोड़ दो उसको भांगो, फिर नया ढांचा में जाओ, यही एक प्रैक्टिस हर समय के लिए करते हम लोग। साल में 3-4 बार कम से कम हम लोग इन हाउस वर्कशॉप करते, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है अभी चलो 3 डेज वर्कशॉप ऑन अंडरस्टैंडिंग मैकबेथ, मैकबेथ है क्या, वो खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, क्या है, देखने में कैसा है, तो बड़े बड़े लोगों को लेकर आते, प्रोफेसर लोगों को लेकर आते, आप हमें समझाइए मैकबेथ क्या है, मैकबेथ का कहानी सुना देते पढ़ते, फिर हम लोग डिस्कस करते व्हाट इज़ मैकबेथ फॉर अस, कौन है मैकबेथ, फिर निकल के आता भाई सबको मन में एक मैकबेथ बैठा हुआ है, वो लेडी मैकबेथ कोई है नहीं है एक्चुअली, वो एक कल्पना है, वो विच भी कुछ नहीं है, वो कल्पना है, वो एक हम लोग डेस्टाइंड हो जाते किलिंग के लिए, मतलब किलिंग का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग किलिंग नहीं है, किलिंग ऑफ आइडियाज, किलिंग ऑफ मेनी थिंग्स, किलिंग ऑफ गुडनेस, हम लोग खुद मैकबेथ हो जाता है, तो हमारे सामने दूसरा मैकबेथ खड़ा हो जाता है, तो हम लोग इसके ऊपर लेकर चलो आगे जब बड़ा जब प्रोडक्शन होगा मैकबेथ होगा, लेकिन जो मैकबेथ बाजार में होता वो नहीं होगा, एक शेक्सपियर के मैकबेथ नहीं है, प्रवीर गुहा का मैकबेथ होगा, दूसरा मैकबेथ बनेगा, यही हमारा एग्जीक्यूशन स्टाइल है, और हर समय कोशिश करते जो पिछले किया वो नहीं करूँगा आगे, फिर वो चेंज हो जाएगा, चाहे अच्छा होगा चाहे नहीं होगा, आई डोंट बिलीव इन प्रोडक्ट, आई बिलीव इन प्रोसेस, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने आपका किया हुआ कोई नाटक नहीं देखा, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम थिएटर प्रैक्टिस है उससे जो लोग एक्सपोज्ड हैं वो जब आपका नाटक देखेंगे तो उनको अनुभव के स्तर पर क्या नया देखने को मिलेगा, क्या नया देखने को मिलता है? सब कुछ ऐसे ही चीज़ है जो कभी देखा नहीं, चाहे उसका अच्छा लगेगा चाहे खराब लगेगा, लेकिन उसको यही बोलना होगा ये भाई कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ये बोलना पड़ेगा, और हम लोग वही बोलते हैं वी आर डिफरेंट, दैट्स आवर स्लोगन, वी आर प्राउड वी आर डिफरेंट। और जब आप खुद इस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम थिएटर को देखते हैं उसके बारे में आप कुछ कैसे रिएक्ट करते हैं? कुछ अच्छा सिंसियर काम भी देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे, और कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा दूसरा कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छे लगते हैं मुझके, लेकिन बाकी जो थिएटर है किलिंग ऑफ टाइम, यू नो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मैन पावर इसे लगते हैं, लेकिन ये होते चलेगा, होता ही है, होते रहेगा बस, और ऐसे ही हर जगह में होता है, जब कुछ हर सारे काम अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, कभी नहीं होता, कुछ कुछ काम अच्छा होता ये होगा। आपने फादर गैस्टन रॉबर्ट्स का नाम लेते हुए उस ग्रोटोव्स्की की किताब का जिक्र किया, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी किताबें आपके हाथ लगी होंगी, बहुत सारी, बहुत सारी, जिसमें ग्रोटोव्स्की के आइडिया को भी शायद आगे बढ़ाया गया। यूजेनियो बारबा, यूजेनियो बारबा मुझे बहुत अद्भुत सा लगा, आई वर्क विथ हिम ऑल्सो, मैं काम किया उनके साथ 1 महीना काम किया जर्मनी में। कुछ बताइए उनके बारे में। यूजेनियो बारबा सेम वो ग्रॉट के डिसाइपल थे, फिर भी ग्रॉट को सारे काम नहीं मानते, दूसरा काम में चला गया, मैं भी ग्रॉट के डिसाइपल था पहले, लेकिन उनको जो थिएटर ऑफ सोर्सेस वर्क है मैं नहीं माना, थिएटर ऑफ सोर्सेस, हाँ हाँ, मैंने काम किया उसके साथ
तो मैंने बोला जो नहीं आपको जो टूवर्ड से पोस्ट थिएटर तक मैं आपको मानता हूँ, लेकिन उसका आगे आप जो काम कर रहे हो वो मेरा संपर्क नहीं है। सो तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक काम करो, तुम चले जाओ इस फेस्टिवल में, उधर यूजेनियो बर्मा नाम के मेरा डिसाइपल आएगा वो थिएटर करेगा। तो मैं गया देखने के लिए, देखने में तो बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने एक वर्कशॉप बुलाया जो इफ़ यू वांट टू जॉइन इन द वर्कशॉप यू कैन कम एंड जॉइन देयर। सो आई जॉइन देयर, काम किया। तो मैं तो इंडियन हूँ देख कर समझ गया, अब कहाँ से आया था, मतलब इंडियन हूँ मैं। ओके इंडियन, इंडिया इधर क्या कर रहे थे, मैंने ग्रॉट के साथ काम कर रहा था। तो बोला मैं तो ग्रॉट का डिसेबल हूँ, जाइन हिट सही जो ग्रॉट आपके पास मुझे भेजा है, बोले गुड, तो आप कुछ कराइए वर्कशॉप हमारे पास। तो करा दिया कुछ, तुमको बहुत अच्छा लगा। तो बोलो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इंटरनल। मेरी दिलचस्पी हुई कि आपने क्या कराया होगा वहाँ पे। हाँ बताइए। कुछ नहीं, हम लोग जैसे काम करते थे थोड़ा फिजिकल, जो फिजिकल काम मैं ये से सीखा, छाऊ से सीखा, सांताली से सीखा, कुछ बॉडी मूवमेंट फॉर ब्रीदिंग है। सांताली डांस आप लोग देखते हैं, डांस है, मैं उसमें ब्रीदिंग देखता हूँ, ये कैसे वो ब्रीद करता है, कैसे बॉडी को रिदिम पे लेके आता है, वैसा ही कुछ काम आपकी तुमको दिखाया। तो बहुत अच्छा लगा उनको, और ये तो नयापन है काम में। तो फिर उन्होंने इन्वाइट किया, मैं उनको साथ चला गया इंटरनेशनल स्कूल फॉर थिएटर एंथ्रोपोलॉजी, उसमें एक महीने का काम किया। फिर बहुत सारे लोग आया उधर, कुछ ग्रुप बोला जे आम्स्टरडाम में एक ग्रुप है, बोलो आपका काम थोड़ा हमें सिखाए गए 7 दिन के लिए कम से कम, चलिए मेरा कोई काम नहीं है चलिए। मैं चला गया 7 दिन उनको काम सिखाया, बोला आपको बदले में तो पैसा नहीं दे पाऊँगा इतना, लेकिन आप बताइए क्या होने से आपको दिल खुश हो जाएगा। मुझे पेरिस लेकर चलो और पीटरबर्ग को सब मिला दो और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बोले तो बहुत कम बात है, कोई बात ही है नहीं, चलिए चलिए चलिए। मुझे लेके गया ब्रुक को साथ मिला, फिर ब्रुक बोला आप कहाँ से आ रहा है, मैं बोला ग्रोटफ्स के पास है, आ जाओ रहो इधर। मैंने रहा उधर, दो नाटक देखा। ये उससे पहले की बात है जब पीटर ब्रुक यहाँ खरदा आए थे, उससे पहले की बात। पहले की बात, देन ही प्रपोज मी इफ यू कैन असिस्ट मी इन महाभारत, तो आई एग्रीड। तूने जब आए थे इधर, बहुत बार आए थे, एक बार नहीं और सारे एक्टर भी आए थे मेरे पास, मेरे घर पर रहा खरदा में, और उनको लेकर मैंने पुरुलिया बांकुड़ा बहुत जगह घूमा, छऊ नाच दिखाया, आई डिस्क्राइब हिम द व्हाट इज द छऊ डांस। देन आई हैड सम स्टिक वर्क, लाठी के ऊपर मैंने कुछ काम डेवलप किया जो अब्दुल हन्नन से शुरू हुआ वो लाठी का काम, वो लाठी वाला काम उन्होंने पूरा सीखा, लाठी का बैलेंस वगैरह। फिर अब देखा महाभारत में बहुत लाठी का काम भी है, उनको रख दिया। तो आपने असिस्ट किया? फिर असिस्ट किया, लेकिन बाद में जो हुआ एक डांसर को लेने को भी था, फिर वो हार्ड टेक्स्ट हो गया, फ्रेंच टेक्स्ट हो गया, तब बोला जी प्रवीर जो तुमको ले नहीं पा रहा है, और वो धनंजय के भी ले नहीं पा रहा है कि दूसरा काम हो गया, बन गया आजकल, इसलिए हम दूसरों लोगों को लगेगा तुम्हें नहीं चाहिए, बस यही हो गया। लेकिन जब आए कलकत्ता दिखाने के लिए, मेरा लिस्ट तो सरकार ने नहीं रखा, वो कौन है थिएटर करने वाला, लेकिन ब्रूक बोला प्रवीर गुहा को रखना चाहिए, ढूंढो कहाँ है। तो फिर मुझे रुद्रदा को रखना ही पड़ा, और कुछ करना नहीं पड़ा। आजकल रुद्रदा के साथ मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छा दोस्ती है। हाँ, तो फिर आप बता रहे थे कि फिर आपने कहा कि पेरिस जाके ब्रूक से मिलेंगे, तो आप मिले, उसके बाद क्या हुआ? बस ब्रूक के साथ बातचीत हुआ, फिर मैं वापस चला आया धीरे धीरे, और काम नहीं था, बस ऐसे ही इन लोगों के साथ मुलाकात ऐसे ही हुआ बस। तो ये सब लोगों के साथ काम किया, फिर जिम हैच आया थे, जिम हैच के साथ काम किया, एना एना क्या नाम एक लड़की था, वो भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, और लेकिन सबके साथ काम किया, काम करने के बाद मैं डिसीजन लिया किसी को काम नहीं करना, अपना काम अपने तैयार करना, यही मेरा आप बोल सकते जो उधर से जो मेरा ये था जो लर्निंग था, वही लर्निंग है जो थिएटर आप किसी को कॉपी करके नहीं कर सकते, दिस इम्पॉसिबल, यू नीड टू मेक योर ओन थिएटर। गर्जनित सा जो है वॉयटेक, मैं उनके साथ भी काम किया, वो मेरा उम्र की है उस समय, वो भी ग्रुप चलाते मैं भी ग्रुप चलाते, बस काम किया। तो ये सारी एक्सपीरियंस मेरा बहुत काम में लगा आगे का। और इन सब अनुभवों को लेकर आपने कोई किताब वगैरह भी लिखी है या प्लान कर रहे हैं? प्लान कर रहा हूँ, 2 किताब लिखे हैं वो नाटक के ऊपर बस, जैसे मेरा नाटक है, और कुछ नहीं किया। लेकिन मैं बहुत लोग बोला लिखने के लिए, मैं लिखता नहीं इसलिए ये क्यों लिखे, एक गुरुकुल विद्या है थिएटर से अप्लाइड आर्ट, आप किताब पढ़कर अपनी नाटक नहीं कर सकते, तो जिसका करना है मेरे पास आओ सीखो फिर आगे करो। प्रवीरदा, ये एरिना थिएटर क्या है?
एरिना थिएटर है जो जहाँ चारों ओर ऑडियंस बैठते थे, बीच में थिएटर होता है, ये एरिना थिएटर है। और ये हमारा ट्रेडिशन, अपना ट्रेडिशन है, हमारा जो थिएटर है जात्रा वगैरह सब ऐसे ही है। मैं एक बात बोलना छूट गया मेरा, ये एक जंक्चर में जॉन मार्टिन नाम का एक ब्रिटिश आए थे काम करने के लिए, थ्रू सीगल एम्पायर नवीन किशोर उनको अरेंज कर दिया, तो मेरा साथ कैंप किया, नवीन ने सिगल ने कैंप लगाया हम लोग को लिए, उनके साथ हम लोग एक महीना काम किया पूरा। वो एक टॉप हार्ड टाइम था हम लोग को समझने के लिए, उनको समझ के लिए, एक बराबर उम्र के दोनों है, तो ये दोनों एक्सचेंज बहुत कभी कभी टॉप था, कभी कभी लवली था, लेकिन फाइनली एक डिज़ाइन बनना शुरू किया। तब मैंने डेथ ऑफ अब्दुल हनान लिखा एंड विद जॉन मार्टिन फर्स्ट वी प्रोड्यूस दैट थिंग। So John Martin, I must say his name. He was one of the important person. वो कहाँ से आए थे? लंदन से आए थे। उसके बाद भी जॉन के साथ मिला, मैंने टू टाइम्स मिला। जॉन आज भी अच्छा है, ठीक ठाक काम कर रहा है बस बहुत। उनका क्या अप्रोच था? उनका अप्रोच भी थोड़ा सा ओपन अप्रोच था, डिफरेंट अप्रोच था। इसलिए तो जॉन आए थे, जब मेरा अप्रोच दूसरा है और जॉन भी दूसरे अप्रोच में काम कर रहा था, इसलिए दोनों के कनेक्शन बना दिया सिगल ने, दोनों को इनवाइट करके दोनों को एक जगह पे बैठा दिया कि आप दोनों देखो कुछ एक्सप्लोर कर सकते कि नहीं। तो मुझे लगता है मैंने उस समय बहुत कुछ सीखा जॉन से, जॉन भी बहुत कुछ सीखा हमारे से, दोनों का फायदा हुआ। लेकिन जॉन आजकल ज़्यादा ही पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में और वो एनजीओ के साथ ज़्यादा है। बीच में भी नवीन किशोर की बात हुई थी, अभी फिर हुई सीगल के ज़रिए, कुछ सीगल और नवीन किशोर के साथ आपका जो संबंध है उसके बारे में बताइए। नवीन इज़ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड, वेरी हेल्पिंग फ्रेंड्स ऑफ थिएटर। प्रोबित के साथ तो दूसरा ही है, ठीक है। ये एक इम्प्रेशनरियो ग्रुप था, लेकिन समहाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग टू प्रोमोट थिएटर, मोस्टली द ऑल्टरनेटिव थिएटर्स। तो उस समय जो ऑल्टरनेटिव थिएटर हो रहा था उसमें बादलदा, मैं और कुछ ग्रुप था, 5-7 ग्रुप था, तो उनको लेकर एक पहला फेस्टिवल किया लावामाट में, श्रमिक बंदोपाध्याय वाज द एडवाइजर फॉर द होल थिंग। तो वो जो फेस्टिवल हुआ, उस फेस्टिवल की वजह से लोग हमारा नाम जानना शुरू किया ज़्यादा, ये ऐसा थिएटर हो रहा है, ये हो रहा है। तो उस बहुत हेल्प किया हम लोग को उस थिएटर, फिर उस थिएटर से ही नवीन स्टार्टेड थिंकिंग टू बी अ पब्लिशर इन थिएटर लाइन। अच्छा, तब से शुरुआत हुआ। तो फिर अंजुम कटियाल मिला, श्रमिक बंदोपाध्याय वॉज द एडिटर एट द टाइम, एंड श्रमिक द बहुत बहुत हेल्प किया उनको, धीरे धीरे पब्लिशर्स बन गया एंड एकदम कम्प्लीट लो लाइन चेंज करके एकदम पब्लिशिंग में चलाया। लेकिन थिएटर को भूला नहीं था उस समय, वो थिएटर को एक मैगजीन भी निकालता, वही था शायद नंबर वन मैगजीन इन दिस थिएटर वर्ल्ड ऑफ इंडिया, STQ। उसमें बहुत अच्छा अच्छा काम किया शुरुआत में, फिर हम लोग सजेशन दिया जो तुम सिर्फ बड़े बड़े लोगों के नहीं, छोटा छोटा काम जो हो रहा है, फ्रिंज काम जो हो रहा है, जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन इम्पोर्टेंट काम, उसको तुम देखो। तो देखना शुरू किया, उस समय मैंने एक डिफरेंट काम करना शुरू किया कर रहा था, जब मैंने सोचा इफ़ आई कंसिडर ऑल्टरनेटिव लिविंग थिएटर नॉट ए नेम ऑफ ए थिएटर ग्रुप बट इट्स नेम ऑफ ए मूवमेंट, से देन आई नीड टू क्रिएट मैनी मोर थिएटर ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम, बहुत छोटा छोटा जगह में किया, छोटा छोटा ग्रुप बनाया जो आजकल बहुत मशहूर, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया। लेकिन हम लोग पहले उसको सीड हम लोग शुरू किया उधर से, तो वही सब ग्रुप को कवर करो, देखो कहाँ कहाँ काम हो रहा है। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज लाइन ऑल्सो, आई हैव द डॉक्यूमेंट्स फॉर दोज थिंग्स। तो वो सब काम भी किया कुछ, इस समय वो बंद कर दिया, शायद कुछ फंड का प्रॉब्लम हुआ, आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन जितना दूर काम किया बहुत काफ़ी। फिर मैंने नवीन को बोला जी स्टार्ट अगेन एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अगेन, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, लेकिन हमारा स्टिल आई फील आई डिमांड अ गुड थिएटर मैगजीन, इंडिया में है नहीं। ये जो नवीन किशोर जी ने जो सीगल बनाया, चूँकि आपका उनके साथ इतना नज़दीकी, तो वो एक पब्लिकेशन, एक एंटरप्राइज से अलग क्या होगा? मतलब वो सिर्फ एक एंटरप्राइज होगा, एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप होगी, उससे अलग क्या, क्यों? नॉट ओनली ही इज़ द बिजनेसमैन, आई डोंट कंसीडर ही इज़ द बिजनेसमैन इन दैट वे, वो कॉरपोरेट नहीं है। वो सोचता है ठीक है पैसा आना जरूरी है, लेकिन उस पैसे से अच्छा कुछ काम होना है।
थिएटर को प्रमोट करो, थिएटर की किताब निकालो, थिएटर के मैगजीन निकालो, थिएटर ओरिएंटेड कुछ करो, बस थिएटर एलाइड थिएटर जो है वो सब कुछ नहीं करो, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम करो। तो शायद ज़्यादा काम ही वैसे ही करते हैं, अभी तक करते हैं, लेकिन थिएटर में थोड़ा सा ध्यान कम हो गया। एंड ही वॉन्ट्स टू डू अगेन, तो क्या करते, कभी कभी अच्छा अच्छा किताब लेके आते, मैं जब जाते वो किताब मिल, कभी कभी फ्री भी दे देते, ले जाओ एक किताब ले जाओ, कभी पैसे दे के भी ले जाते, दोनों ही होता है, दोस्ती बरकरार है बस। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे प्रबीरदा के इतना लंबा अरसा थिएटर में प्रैक्टिस करते हुए, उसमें जो इंटरेस्ट की जो इंटेंसिटी है उसका क्या हाल है, मतलब वो कभी थकने हारने और कभी गिव अप कर देने, ऐसे भी कुछ बीच बीच में मोमेंट्स आते हैं क्या? इस्मान भाई, आई एम 70 नाउ एंड जस्ट डे बिफोर यस्टरडे आई केम बैक फ्रॉम बांग्लादेश एंड इट वाज अ कंटिन्यूअस 1 month 10 days वर्क। एंड कोई एक जगह में नहीं, कोई जगह में 3 दिन, कोई जगह में 4 दिन करके मैं 10 districts में घूमा और लगातार काम करने के बाद वापस आया। आज आपके सामने बैठा हुआ है, ये ख़त्म होगा, गाड़ी आएगा, मैं चला जाऊँगा एक सेमिनार के लिए। एंड फिर एक 1 to 7 मेरा उड़ीसा में वर्कशॉप है, काम करते रहूँगा। अगर मैं काम नहीं किया तो आई जस्ट सीक इमीडिएटली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीरदा, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और अपने नाटक की बारीकियाँ हमको बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर बात करके, थैंक यू। ये थे जाने माने नाटककार प्रबीर गुहा। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। शूर जो बोझा।